ये लीजिए, पहले समोसे खाइए फिर बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, मुझे भूख ही नहीं लगती, कुछ खाने को मन ही नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं, सामने समोसे पड़े और आपका मन नहीं कर रहा है खाने का? बिल्कुल नहीं। ए भाई, ये प्यारे लाल के चटपटे समोसे और साथ में चटाकेदार चटनी, भाई इनकी खुशबू से तो पत्थरों का भी मन करने लगता है खाने का। इसलिए आपके पास आया हूं डॉक्टर साहब, कुछ दवाई दीजिए जिसे खाकर मैं ठीक हो जाऊं। अरे भाई दवाई की क्या जरूरत है, मैं सीधे आपको खाना ही खिला देता हूं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अब ये गर्मा गर्म चटपटे समोसे की खुशबू लो, ये प्यारे लाल के गर्मा गर्म समोसे तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हें समोसे खाने का बहुत मन हो रहा है। सोचो, खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। बस बस, अब मुझसे रहा नहीं जाता। ये हुई ना बात, दिल खोल के समोसे खाई। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे प्रॉब्लम क्यों हुआ था? देखिए, भूख ना लगना एक टेम्पररी कंडीशन है जो कि स्ट्रेस, चिंता या डिप्रेशन की वजह से होती है। हमेशा मन को प्रसन्न रखो, अपने आप भूख लगेगी। मुझे देखो, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ इसलिए मुझे हमेशा भूख लगती है। आप सच में ग्रेट हो डॉक्टर साहब, मुझे लगा आप दवाई खिलाएंगे, आपने तो समोसा खिला दिया। भाई मेरा इलाज करने का तरीका है, सही है, खाइए खाइए। देखो, अगर फिर से भूख ना लगने की प्रॉब्लम हो तो वापस आना, साथ में बैठ के कचोरियां खाएंगे। जरूर जरूर डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, चलता हूं। हां हां वेलकम। आसिफ भाई, 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 आसिफ जेठा भाई, आप भी कमाल करते हो। अरे लोटे से चाबी निकालने के लिए लोटे में हाथ डालने की जरूरत क्या थी, लोटे को उल्टा करते थे चाबी बाहर आ जाती। अभी भाई यही नसीहत, ये सब और अयर भाई सब दे चुके, अभी वो थोड़ी हो गया, अब जल्दी से इस पर पट्टी बांधिए, मुझे मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है, प्लीज। चिंता मत कीजिए जेठा भाई, पट्टी तो मैं एक मिनट में बांध दूंगा, लेकिन पहले आप समोसे खाइए, प्यारे लाल के समोसे हैं। अरे वाह, प्यारे लाल के समोसे हैं, और बड़ा मजा आएगा खाने में। अरे भाई आप सब भी खाइए। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। बाघा, ये कोई टाइम है समोसे खाने का? अरे जेठा भाई, प्यारे लाल के समोसे खाने का कोई टाइम नहीं होता, कभी भी खा सकते हैं। आतिफ भाई देखिए प्लीज, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ यश भाई, अगर है कि ऑफिस में पहुंचना बहुत जरूरी है, अगर मैं वहाँ वक्त पे नहीं पहुंचा तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए प्लीज जल्दी से पट्टी बांध दीजिए ना प्लीज। आतिफ भाई प्लीज। हाँ आतिफ भाई, आतिफ भाई चिंता मत कीजिए जेठा भाई, पट्टी तो मैं एक मिनट में बांध दूंगा। अरे यही बात आप 5 मिनट पहले भी बोले थे आतिफ भाई, अब तक तो 5 पट्टियां बन चुकी होती। आप प्लीज जरा वक्त की नजाकत को समझ के पट्टी बांध दीजिए ना आतिफ भाई, प्लीज जरा जल्दी जल्दी। सेठ जी, हाथी भाई आपके हाथ पे पट्टी बांधे तब तक हम तो समोसे खा सकते हैं ना, कमन भागा। नहीं नहीं नटू काका, भागा को रहने दीजिए, पट्टी बांधने में भागा की जरूरत पड़ेगी। ओ हाथी भाई, ओ पट्टी बनवाने में मैं आपको मदद कर लूंगा। ओ भागा की इच्छा हो रही है समोसा खाने की, तो उसको समोसा खाने दो। ठीक है। हाथी भाई, मैं तो कहता हूँ आप भी समोसा खाओ, और जेठा भाई को पट्टी मैं ही बांध दूंगा। ये भी ठीक है। अरे क्या ये कुछ ठीक नहीं है हाथी भाई, छोटे दोस्त जिसका जो काम है उसको करने देना भाई। अरे तुझे क्या है इतना समोसा खाने का? अरे लेकिन सेठ जी, मैंने तो बोला ही नहीं कि मुझे समोसा खाना है। तो कौन बोला? मैंने बोला। नहीं नहीं सेठ जी, मैं बोला नहीं था, मैंने तो आपसे पूछा था कि आपके हाथ पे पट्टी बंधे तब तक हम लोग समोसे खा सकते हैं। दया, हमारे एरिया में और कोई डॉक्टर है? भाई आप कैसी बात कर रहे हैं,
मेरे होते हुए आप किसी और डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? तो क्या करूं, आप पट्टी बांध ही नहीं रहे आतिफ भाई, तो क्या करूं मैं? अरे पट्टी तो मैं एक मिनट में बांध दूंगा जेठा भाई। अरे तो बांध दिया ना आतिफ भाई, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज जल्दी पट्टी बांधिए, बहुत लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी। अरे अरे ऐसा नहीं कीजिए, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ जेठा भाई, पट्टी बांधने के बाद कुछ अजीब सा नहीं लगेगा? हाथ पीछे से पतला, आगे से मोटा, कुछ अजीब सा। अभी अजीब तो लगेगा, लेकिन वो मैं संभाल लूंगा, कोई बहाना बना लूंगा। आप प्लीज जल्दी पट्टी बांधिए, प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी। बागा अभी समोसा नहीं, पहले पट्टी बांध देते हैं। बागा कंट्रोल नाउ। हाँ बागा, वो बाद ही खा लेंगे यार समोसा। अरे छोड़ो उसको, लाड़ दे लाड़ दे लाड़ दे लाड़ दे लाड़ दे, जल्दी आ गया आ गया। चल भाई। हो गया। थैंक यू। टप्पू के पापा, ये पट्टी कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रही है? Yes, it is looking stranger than fiction. हाँ सेठ जी, इस पट्टी में आप मरीज नहीं मुक्केबाज लग रहे हैं। हाँ जेठा ब्रा, ओ ये तो ऐसे लग रहा है जैसे अपना विजेंद्र ब्रा बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग खेलने जा रहा हूँ। छोटी भाई अभी जैसा लग रहा है लगने दे, वो यश भाई की ऑफिस में पहुंचना मेरे लिए बहुत जरूरी है। छोटी टाइम पे वहां मीटिंग में पहुंचाने की अभी सारी जिम्मेदारी तेरी है दोस्त। ओए जेड़ा ब्रा, ओ तुझे बिल्कुल फिकर ना करो, आपका ये दोस्त रोशन सिंह अजीत सिंह सोडी आपको आपकी जगह पे टाइम पे पहुंचा देगा। चलो 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 भाई चलो, ये भगवान छोटी का भला करे, छोटी नहीं होता तो आज हम यहाँ टाइम पे नहीं पहुंच पाते। वो बागेश्वर जी का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। हाँ बागा, अभी हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन अभी फोन मत करना, एक घंटे बात करना, हम लोग बहुत बिजी है, ठीक है? वो बात हो जाएगी एक घंटे बाद, चल फोन रख। नहीं उन्हें फोन नहीं कर सकती। क्यों? जो मुझे आपसे काम है। मुझसे क्या काम है? कुछ जानना था। क्या? आपके हाथ से लोटा निकल गया। लोटे के बारे में तुझे किसने बताया? बागेश्वर जी ने। नहीं लोटा नहीं निकला, हाथ अभी भी लोटे में फंसा हुआ है। हाय राम, अब क्या होगा? किसका क्या होगा? मेरी सहेली का। वो लोटे के अंदर चाबी फंसी हुई है ना, तो उसकी वजह से मेरी सहेली भी फंस गई है। क्या बोल रही है? फोन स्पीकर पे कीजिए, तब बता पाएंगे ना। क्या 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 बोल रही है तू? दरअसल मैंने अपनी सहेली का मोबाइल बागेश्वर जी को रिपेयर करने के लिए दिया था, और बागेश्वर जी ने फोन रिपेयर करके आपकी दुकान के गल्ले में रख दिया, और गल्ले की चाबी आपके लोटे में फंसी हुई है। अब क्या करें हम? तेरे सकली का बोला अभी फोन नहीं मिल सकता। तो कब मिलेगा? पता नहीं। कुछ कीजिए ना, मेरी सहेली को उसका फोन अर्जेंट चाहिए। फोन रख, फोन रख। सेठ जी मुझे बाद में डांट लेना, अभी अंदर चले, बहुत लेट हो रहा है। हाँ, मैं भूल जाऊं तो मुझे डांटने का याद दिलाना। चलो चलो चलो। मोबाइल को गले में रखने की क्या जरूरत है? सॉरी सेठ जी। अब दोबारा आइए, आइए। जेब में कुछ चिल्लर विल्लर है क्या? अरे भाई चिल्लर तो आजकल भिखारी भी नहीं लेते, जेब में चिल्लर रख के क्या फायदा। हाँ चलिए आप एक बार दोबारा आइए। अरे भाई देखिए हमारी यश ओबेरॉय जी के साथ मीटिंग है, बहुत लेट हो गया, हमको जाने दीजिए प्लीज। यश जी के साथ मीटिंग है? जी जी। देखिए बिना चेक किए आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अरे हाँ चलिए दोबारा आइए आप। तिबारा हो गया, चलिए आइए आइए, चेक करना पड़ेगा। ये क्या है? मोबाइल मोबाइल। ये क्या? बेल्ट बेल्ट। हाथ उठाइए। ये क्या? अरे घड़ी दिख रही नहीं है। इसमें क्या? घाव घाव है इसमें। नहीं इसमें जरूर कोई मेटल की चीज है,
तभी आवाज आ रही है। हाँ वो हड्डी टूट गई थी ना तो रॉड रॉड डाला है। नटो काका भगा चलो चलो। एक सेकंड, ये झुनझुने जैसी आवाज क्यों आ रही? झुनझुने जैसी आवाज? नहीं मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दी। अच्छा देखा आवाज आ रही ना झुनझुने की। नटो काका आपको झुनझुने की आवाज आ रही है? हाँ देखिए हम आपको नहीं जाने दे सकते, अगर आप दोनों को जाना है तो जाइए। अरे भाई ये दोनों जाके क्या करेंगे, मीटिंग मुझे करनी है इस जगह साथ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, अगर आपको जाना है तो पट्टी खोल कर दिखाना पड़ेगा। अरे पट्टी नहीं खोल सकते समझो भाई, 2.5 मिनट बाकी है भाई, जाने दीजिए प्लीज। सेठ जी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अरे इंग्लिश थोड़ा क्या कहना चाह रहे हैं भैया? सेठ जी नटू काका कह रहे हैं कि सच्चाई का रास्ता ही सही रास्ता है, अब पट्टी खोल के दिखा दीजिए ना प्लीज, हमें बहुत लेट हो रहा है। ये अच्छा ये देखो ये क्या, ये लोटा है, ये मेरा हाथ है, और ये झुनझुनू जैसी आवाज आ रही है ना वो मेरे दुकान के गल्ले की चाबी है। जो ये लोटा में गिर गई थी वो निकलने गया, उसमें मेरा हाथ फंस गया, तब से ये लोटा और मेरा हाथ ऐसे ही है। अरे भाई यह सोबरे जी, जितने बड़े आदमी के साथ कोई मीटिंग में ऐसे लोटा लेके जाता है क्या? सॉरी सॉरी, जाइए आप अंदर जाइए। चल चल चल। एक मिनट भाई साहब, लोटे में से चाबी निकालने के लिए लोटे में हाथ डालने की क्या जरूरत थी? आप लोटा उल्टा करते चाबी अपने आप बाहर आ जाती। बख्श दीजिए इन्हें प्लीज, जल्दी चलिए। They don't know what they are saying. इन्हें भी बख्श दीजिए। चलिए चलिए जल्दी चलिए। अरे लोटे वाले भाई साहब पट्टी तो लेते जाओ। चलिए नटू काका जल्दी 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 जल्दी। मैडम मैं चचलाल गड़ा, यस जी ओबेरो के साथ मेरी मीटिंग है अभी। आपकी अपॉइंटमेंट तो 10:30 बजे की थी ना? जी 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 जी। लेकिन आप लेट हो गए। सॉरी अब आप नहीं मिल सकते। नहीं मैं टाइम पे आ गया था मैडम, वो बाहर आपका सिक्योरिटी वाला है ना, उसने चेकिंग में बहुत टाइम पास किया। कितना चेकिंग चेकिंग चेकिंग, अरे इतना चेकिंग तो एयरपोर्ट पे भी नहीं करते, उसमें लेट हो गया मैडम। हाँ हाँ मैडम। आई एम सॉरी लेकिन हमारे सर ऑलरेडी दूसरी मीटिंग में बिजी हो गए। एक रिक्वेस्ट है मैडम, आज के पूरे दिन में कोई भी और टाइम दे दीजिए ना प्लीज, चलेगा। हाँ चलेगा चलेगा। I'm sorry सर, आज हमारे सर लंच ब्रेक तक ही है और तब तक की उनकी सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो कल परसों नर्सों 5 दिन बाद 10 दिन बाद चलेगा कोई भी दिन? नहीं कल वो वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। माय गॉड, तो अभी कुछ नहीं हो सकता? नहीं, जब वो 6 महीने बाद इंडिया वापस आएंगे तभी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। हेलो, यस सर, या या कमिंग कमिंग, एक्सक्यूज मी सर। ये लोटे की वजह से आज कितना बड़ा नुकसान हो गया। सेठ जी लोटा तो निर्जीव है, उसे कोसने से क्या फायदा? सेठ जी वो बड़े सयाने कह गए हैं ना, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। चलिए सेठ जी, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, निराश मत होइए। अरे ऑर्डर तो आते जाते रहते हैं, एक गया दूसरा मिल जाएगा। मुझे पता है नटू काका, लेकिन इतने बड़े ऑर्डर की तक झवल नहीं मिलती है, बार बार नहीं मिलती। हाँ बोल दया। लोटा निकल गया। अरे लोटा तो हाथ से नहीं निकला लेकिन पार्टी हाथ से निकल गई दया। मतलब वो मीटिंग में पहुंचने में देर हो गई, उसमें मीटिंग ही कैंसिल हो गई। नहीं नहीं सोडी ने तो मुझे यस भाई की ऑफिस पे टाइम पे पहुंचा दिया था। हाँ। लेकिन ऑफिस के अंदर जाने में टाइम लग गया। हाँ? क्या? मतलब हुआ यूं के ओ, अब तो
चिंता मत कीजिए। मेरी माँ हमेशा कहती है कि आशा और निराशा वो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप हिम्मत बताना, सब ठीक हो जाएगा। बराबर, चल अभी फोन रखिए लोटा, अभी हाथ से निकालने के लिए कुछ करता हूँ। चलो बाय। अभी लोटा निकल कर क्या फायदा, ऑर्डर तो हाथ से निकल गया ना। क्या मतलब सेठ जी? बागा के कहने का ये मतलब है कि अब लोटा हाथ से निकले या ना निकले क्या फर्क पड़ता है, ऑर्डर तो अच्छा निकल गया है ना। तो क्या अभी जिंदगी भर ऐसे ही रहूं? नहीं नहीं, चोर चोर, स्टॉप स्टॉप, समबडी हेल्प, चोर चोर चोर, समबडी हेल्प, स्टॉप चोर, रुक 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 रुक। चल पर्स दे। नहीं दूंगा। नहीं, अरे इसकी हिम्मत तो देखा, नहीं। अरे देता है क्या तू? ये लीजिए बहन जी आपका पर्स। थैंक यू सो मच। इसमें मेरे पासपोर्ट, कैश, टिकट सब पड़ा था, और अगर ये चोरी हो जाता ना मेरा बहुत नुकसान हो जाता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, पर वैसे भी क्या कोई महिला का अपमान करे, चोरी करे, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको भी अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, सीधा पुलिस। ये कहाँ गया? नट्टू काका भागा, आपको ध्यान रखना चाहिए ना, जाने क्यों दिया? लेकिन सेठ जी, हमें पता ही नहीं चला कि वो सांप की तरह कब और कहाँ सरक गया। अरे बहन जी, अभी आप संभल के जाना, है चोर देखो भाग गया है, आपके पर्स में सब कीमती चीजें हैं ना, है? आप कहे तो मैं मेरे आदमी को आपके साथ भेजू, आपको जहाँ जाना है वो छोड़ देगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे यही पास में जाना है। हाय, आई एम नताशा। सॉरी, हेलो, आई एम एन आर्किटेक्ट। ये मेरा कार्ड है, मेरे लाइक कोई भी काम हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। ओके, अब मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय, थैंक यू। अबे इसका क्या करें? सीट जी कुछ मत करिए, मैं तो कहता हूँ ये लोटा आपके हाथ में जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन की तरह आप भी लोटा मैन बन जाइए। Well said, बाका, well said. Thank you, नट्टू काका, thank you. सेठ जी, आप लोटामैन बनके दीन दुखियों की मदद करिए। अरे भाई, दीन दुखियों की मदद करने के लिए मुझे लोटे की जरूरत नहीं है, वो तो मैं इसके बगैर भी कर सकता हूँ और करता ही हूँ। ये सब छोड़ो भाई, अभी इसको मेरे हाथ से कैसे अलग करूँ उसके बारे में सोचो। सेठ जी, अपनी दुकान के पीछे वो विशाल तांबे वाले की दुकान है ना, जिसके पास तांबे के सारे बर्तन मिलते हैं, हाँ, उनके पास चलते हैं, शायद उनके पास ये लोटा निकालने का कोई हल मिल जाए। हाँ हाँ, ये बराबर है, हाँ, कोशिश करते हैं, हाँ, चलो चलो। अरे भाई साहब, थोड़ी देर पहले किसी चोर को आपने पकड़ा था क्या? सुना सेठ जी, लोटा मैन के चर्चे शुरू हो गए। वैसे आपको किसने बताया? उसी ने ही बताया। खेकड़ा खड़ा? हाँ भाई, यही था, इसी ने मारा था भाई। दोस्त है हमारा, साथ में ही काम करते हैं, चोरी का पूरी गैंग है हमारी। कमाल है, कमाल है, कमाल है। एक तरफ जेठालाल है, दूसरी तरफ उनके हाथ में फंसे हुए लोटा लाल है, और इस लोटे ने नाक में दम कर दिया। इस लोटे की वजह से सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया, और अब गुंडों के बीच में फंस चुके हैं जेठालाल। समस्या बड़ी गंभीर है,
परिस्थिति विकट है, पिटने के पूरे पूरे आसार हैं। अब देखना यह है कि इन गुंडों के चंगुल से जेठालाल किस तरह से बाहर निकलते हैं। अब ये बाहर कैसे निकलेंगे ये तो मैं इस वक्त आपको कैसे बताऊं, लेकिन आप घरों से ठहाके निकलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए लोटा भर के। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।